वेलकम टू स्नेहा नरोला किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही भिंडी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी लेंगे, इसको धो के अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि पानी सारा सूख जाए, और अब हम इसको मीडियम शेप में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कट नहीं करनी है हमें। हाँ देखिए, हमारी भिंडी बन कट के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने पर हम अपनी भिंडी इसमें डाल देंगे और भिंडी को 7 से 8 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये देखिए, फिर हम चेक कर लेंगे तो ये गल चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके लिए छौंक रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल डालेंगे पैन में। ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम डालेंगे हींग और साथ में डालेंगे हम इसमें जीरा। जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज। अभी हमारे प्याज थोड़े भुन रहे हैं तो हम और मसाला डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम साबुत लाल मिर्च, अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूखा मसाला नमक, हल्दी, लाल मिर्च और डालेंगे धनिया पाउडर, और हमने ये डाल दिया इसमें पीसा हुआ जीरा, और डालेंगे थोड़ी सी सौंफ और काली मिर्च। अब हम इसको सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा रोस्ट भी हो जाएगा, और साथ में डाल देंगे हम इसमें कुटा हुआ धनिया। अब हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी दही। दही पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैंने इसको आधा घंटा बाहर रख दिया था। अभी दही रोस्ट हो चुकी है तो हम इसमें डाल देंगे अब हमारी भिंडी। अब हम इसको थोड़ा सा ढक के पका लेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो भिंडी में अब्सॉर्ब हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से लंबे लंबे कटे हुए प्याज। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब देखिए, ये हमारी दही भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और गैस बंद करके इसको मिक्स कर देंगे। तो ये थी क्विक एंड इजी दही भिंडी की रेसिपी। सो अब आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।